नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आप लोगों के समक्ष पुनः हाजिर हूं आज का राशिफल लेकर के। 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, शुभ दिन, अच्छा दिन, कॉन्फिडेंस वाला दिन सभी राशि वालों के लिए आज के लिए बहुत बेहतर हो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप लोग स्वस्थ भी होंगे और फिट भी होंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर प्रेजेंट खराब तभी होता है जब फ्यूचर अच्छा होता है। खराब समय को लेकर के हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बड़ी कोई रात नहीं होती कि सुबह ना हो, 100% है कि समय अच्छा आएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हम पहली राशि लेते हैं हम आज की, मेष राशि। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दिन आज आपका गुजरेगा। फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे, काम के प्रति लगाव और उत्तेजना उत्साह पूर्व आज काम करेंगे आप। नए कार्य के सुअवसर मिलेंगे, नया काम की खोज जो थी बरसों से बिजनेस का या नौकरी का, उसके आज कार्य आपका सिद्ध होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में आपको सिग्नेचर करनी है, साइन करना है किसी पेपर पे, तो बहुत पढ़ करके ही सिग्नेचर करना है और साथ में ध्यान से आपको देखना है, अन्यथा कोई भी गलती होगी तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आज अगर आपने कोई कर्ज लिया होगा तो वो लोग आज आपको परेशान कर सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं, छोटा सा आप उपाय कीजिएगा। ओम हनु हनुमते नमः, इस मंत्र का जो है कि आपको जाप करना है। इस मंत्र के बाद में श्री राम जय राम जय जय राम, या पहले श्री राम जय राम जय जय राम फिर हन हनुमते नमः, दोनों में से कोई भी आगे पीछे आप कर सकते हैं। घी का दीपक प्रज्वलित करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे, आपके लिए दिन शुभ होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। भाइयों के सहयोग से आज आपके कुछ कार्य सिद्ध होंगे और वहीं पर कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए कुछ खुशखबरी आज मिल सकती है। तो वहीं पर राजनीतिक क्षेत्र में अगर हैं तो वहां पर मान सम्मान प्रतिष्ठा या कुछ बदलाव, कुछ चेंज होने के योग प्रबल बन जाते हैं आपके, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो वहीं पर नौकरी करने वालों के लिए, जैसे मैं बताया, परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज बहुत बढ़िया है। तो वहीं पर शादी विवाह के भी योग बन रहे हैं, जीवन साथी के साथ में आज थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण से थोड़ा दिक्कत हो सकती है, कहासुनी में हो सकती है। तो वहीं पर अगर जो लव लाइफ में हैं, जिसको आप प्रेम करते हैं, प्रेमिका हो या प्रेमी हो, उनके भी साथ में थोड़ा सा बात विवाद हो सकती है, छोटा सा आपको उपाय करना है। पीपल का पत्ता लीजिएगा, पीपल के पत्ते पर राम राम लिख दीजिएगा और उसकी माला बना करके हनुमान जी को आप अर्पित कर दीजिएगा। आपके जीवन में कई क्षेत्रों में आज आपको लाभ होगा, आपका दिन शुभ होगा। मिथुन राशि, आज का दिन काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी टेंशन में रहेंगे, थोड़ी मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, परिवार को लेकर के रहेंगे। आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है और उधर माता पिता के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई गुप्त बीमारी आप लोगों को परेशान कर सकती है। भाग्य साथ देगा आज, नए कार्य के सुअवसर आज आपको मिल सकते हैं, अचानक धन लाभ मिलेगा। आज मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अभी तक कभी भी हमने सजेस्ट नहीं किया, अगर हो सके तो आप एक स्टोन धारण करें, गोमेद, उसको प्राण प्रतिष्ठित अवमंत्रित करके आप गोमेद धारण करिए। आप फिर भी एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य कराने के पश्चात ही आप करिएगा। अब अगर कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस चीज़ को कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की जो है कि वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। अचानक धन लाभ, विवाह के भी संयोग पूर्ण रूप से बनते हैं, कहीं पर रिश्ता फिक्स हो सकता है, छोटा सा खाली आप उपाय कर लीजिएगा बस। आज तो आप हनुमान जी के दर्शन तो अवश्य करिएगा ही करिएगा, लेकिन साथ में बिटियां हैं आप, तो आपको एक छोटा सा उपाय कर देना है, कुछ चूड़ियां छोटी छोटी कन्याओं में आज वितरित कर दीजिएगा, विवाह के योग खुल जाएंगे। और जब विवाह के योग खुल जाएंगे तो निश्चित रूप से ही अच्छा होता है। अगर पुरुष हैं तो विवाह में अड़चने आ रही हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है, 5 बेल पात्र लीजिएगा और सब पे बिंदी लगा करके अपनी मनोकामना मांगते हुए भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना, फल अवश्य रखिएगा भोग के लिए। पत्नी मनोरमा देही, सबगुण संपन्न जीवन साथी आपको
प्राप्त होगा। इस प्रकार से उपाय करें, आपका दिन शुभ होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे हैं आप। आज थोड़ा सा हेडेक और थोड़ा सा टेंशन आपके ऊपर बनी रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा बनेगी। धार्मिक यात्राएं होने की संभावना पूर्ण रूप से दिख रही है। नए कार्य के शुभ अवसर आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। थोड़ा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की तरफ विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ में माता पिता दोनों के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। हड्डी से रिलेटेड, नसों से संबंधित, या आपको यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है। अब अगर नसों से संबंधित है तो निश्चित है कि बैक पेन इत्यादि होने के दर्द असहनीय हो सकता है। पेट में दर्द इत्यादि चीजें आपको हो सकता है। छोटा सा आप उपाय कीजिएगा, भगवान शिव को जलाभिषेक करने के पश्चात में आप हनुमान जी के दर्शन और इस मंत्र का खाली उच्चारण करना है आपको। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, और ओम हनु हनुमते नमः। घी का दीपक प्रज्वलित करके आप इसको करेंगे तो लाइफ के बहुत सारे कार्य बनेंगे आपके। एजुकेशन है, नौकरी है, कैरियर है, बिजनेस है, व्यवसाय है, स्वास्थ्य है, शादी में रुकावटें हो रही हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं आज आप करके तो देखेंगे ना, आप एक बार आपको आनंद आ जाएगा कि हाँ आज कुछ हमको मिला। फिर भी एक बार कुंडली का अवलोकन अगर आप कराते हैं तो निश्चित रूप से कि उसके आपके कुंडली के हिसाब से आपको सारी रेमेडियाँ, क्या दिक्कत है, कितने समय तक के लिए, सारी चीज़ें आपको बता देंगे। आपका दिन शुभ हो। अगली राशि लेते हैं हम, सिंह राशि। स्वामी जिसका जो है कि सूर्य है और सूर्य की दृष्टि स्वयं आपकी राशि पर पड़ रहा है, तो निश्चित है कि फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। और अत्यधिक कॉन्फिडेंस में ही होना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है, कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो कोई भी चीज़ अगर अत्यधिक हो जाता है या अधिक हो जाता है तो नुकसान देने लगता है। अपनी वाणी पर विशेष संयम रखिएगा, अन्यथा आपके करियर क्षेत्र के लिए हानि हो सकता है। दैनिक रोजगार को भी लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको आपके जीवन साथी के साथ मिल करके अगर रहेंगे तो आज आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अपने घर के मंदिर में बैठ करके ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप और 5 पाठ हनुमान चालीसा का आज आप कर लीजिएगा, आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए हम बताना चाहें आज का दिन काफ़ी मेंटली टेंशन वाला रहेगा। अपने संतान को भी लेकर के थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। उनके एजुकेशन, उनके करियर और उनके विवाह की सबसे ज़्यादा मानसिक चिंताएं आपको परेशान करेंगी। तो कुछ गुप्त बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। अचानक पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई पुरानी बीमारी उभर करके आ सकती है, या कोई नई बीमारी का आज आपको पता चल सकता है। ये थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। आज आपको उपाय करना है हनुमान चालीसा का या हनुमान अष्टक का। आज 5 पाठ जो हैं कि आपको करना है। अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका लगाने के पश्चात ही घर से बाहर निकलेंगे, आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, नए कार्य के अवसर प्राप्त होंगे। कहीं पर आपको एग्जाम या इंटरव्यू देने जा सकते हैं और वहां पे आपको सफलता आपको निश्चित रूप से आज आपको मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आज आपका दिक्कत परेशान करेगा। संतान को भी लेकर के थोड़ी सी परेशानियां होगी, या तो संतान को लेकर के होगी या संतान के लिए होगी। दोनों चीज़ें को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति जो है कि बनी रहेगी। तो वहीं पर बिजनेसमैन वालों के लिए नए अवसर मिलेंगे, कुछ नए लोग जुड़ेंगे। व्यापार में अगर कोई बदलाव चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए शुभ दिन रहेगा। उपाय क्या करेंगे आज? आज आपको उपाय करना है ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। मैं किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि दैनिक रोजगार और बेनिफिट के लिए मैं कह रहा हूँ आपको। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी शुभ रहेगा। कुछ दैनिक रोजगार को लेकर के काफ़ी परेशान, मेंटली डिस्टर्ब भी आप होंगे, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। मेहनत आज बहुत करूंगे, लेकिन हाथ आज निराशा ही लगने वाली है। उतना बड़ा बेनिफिट है नहीं होगा जितना आपने सोचा है, तो इसलिए सोचना नहीं। आज जो आपने काम किया है कल अवश्य मिलेगा उसको। तो वहीं पर पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद, पिता के स्वास्थ्य को भी लेकर के थोड़ी सी टेंशन बनी रहेगी। कुछ पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। तो वहीं पर विद्यार्थियों के लिए जम करके मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्मरण शक्ति आज आपकी बहुत बढ़िया नहीं है। आज जितना पढ़ेंगे उतना बहुत बढ़िया नहीं होने वाला, इसलिए मॉर्निंग में उठ करके आप पढ़ें। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाद निद्दा तथे उचाल पाहरी गृत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी शुभ रहेगा।
फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। बुआ से कुछ सहयोग मिल सकता है या बहन से कुछ सहयोग आज आपको मिल सकता है। घर परिवार में चल रही बाधाएं, चल रही दिक्कतों का जो सामना बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, बुआ और सिस्टर को बीच में करिए, मामला सुलट जाएगा। आज कैरियर क्षेत्र को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां, दिक्कतें थी, वो भी आज आपकी सॉल्व होती हुई नजर आई है। छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा। आज आप घी का दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात में आपको विंध्याचल चालीसा का पाठ कर लीजिएगा और हनुमान जी के दर्शन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका भाग्य उस पर निर्भर करता है, आपका सम्मान उस पर निर्भर करता है। तो जब ये चीज़ें मिल जाएंगे, पावर के पीछे भागिए ना, जब पावर के पीछे भागेंगे तो सब चीज़ें अपने आप चले आएंगे। तो इस उपाय को कीजिएगा, आपका दिन शुभ होगा। अगली राशि लेते हैं हम, मकर राशि, जिसका स्वामी जो है शनि बनता है, और शनि वर्तमान समय में आपकी वाणी स्थान पर स्थित है, और वाणी स्थान पर स्थित होने से आपको तो एक चीज़ तो यहाँ पे भी कि कुछ जगहों पर तो सम्मानित होंगे, लेकिन वहीं पर कैरियर क्षेत्र को लेकर के अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। और व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं रहा, आज आपका भाग्य साथ नहीं देने वाला, इसके कारण से बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएँ रहेंगी। ड्रिंक या मदिरापान अथवा नॉनवेज इत्यादि मत खाइएगा, नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे आप, आज आपको हनुमान जी के भी दर्शन करने हैं, उनकी पूजा आराधना करनी है, साथ में ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप आपको अपने घर के मंदिर में बैठ करके ही आपको करना है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर जाएगा। चिड़चिड़ापन वाली स्थिति आज महसूस करेंगे, काफ़ी छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा ये वाली स्थिति आज आपके साथ में रहेगी। आज हेडक, सर में दर्द इत्यादि जो है कि आपका बनेगा, नए काम के अवसर मिलेंगे, थोड़ा सा पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, या कोई गुप्त बीमारी नसों से संबंधित हो सकती है और इन्फेक्शन से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं, आज इसका आपको पता चलेगा, पहली बार कि हमको ये चीज़ की प्रॉब्लम भी है। हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करेंगे आप, घी का दीपक जला करके हनुमान अष्टक का पूरा पाठ करेंगे, श्री राम, जय राम मंत्र का जाप और ओम हनु हनुमते नमः मंत्र का जाप, ये चारों चीजें करेंगे आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आपका दिन शुभ होगा। मीन राशि वालों के लिए जीवन में परिवर्तन बहुत अत्यधिक आ रहा है, आज कुछ परिवर्तन जो आपने करना चाह रहे थे वो परिवर्तन मिलेगा, मन चाही नौकरी भी आपको आज मिल सकती है। तो विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जम करके मेहनत करें, सफलता आपकी कदम चूमे, मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिल सकता है, पॉजिटिव चीज़ें, कोई अगर जॉब आपने के लिए अपने इंटरव्यू इत्यादि दिया, उसका कॉल लेटर इत्यादि जो है कि आ सकता है, कुछ शुभ समाचार यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन आपको स्वास्थ्य में संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम, आपकी धर्मपत्नी के साथ में बात विचार में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, अगर आप लव लाइफ में हैं तो उनके भी साथ में, पार्टनर के भी साथ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना पूर्ण रूप से थी, इसलिए इसको संभालने का काम आपको करना है, अन्यथा खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको उपाय, छोटी सी रेमेडी करनी पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है, और किसी भी गरीब ब्राह्मण को कुछ दान कर सकते हैं आप, आपके लिए दिन शुभ होगा। ये रहा मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के सभी का हाल, अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।